हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल विश्वकर्मा एंटरप्राइजेस। और दोस्तों, मैं आपके लिए एक बॉक्स लेके आया, जो डेन का है दोस्तों, ये इसको घोसपिल बोलते हैं, जो मॉडल नंबर है GL7020। तो दोस्तों, इसमें देखिए जो एक प्रॉब्लम है, ऐसे देखिए अभी ये चालू, अभी देखिए लाइट नहीं आ रहा है, और अभी थोड़ा सा अभी ये करेंगे, देखिए अभी लाइट आया, ये देखिए अभी डिस्प्ले पे भी चालू हो जाएगा, बट ये छोड़ते ही देखिए दोस्तों ये बंद हो जा रहा है, ये देखिए फिर से बंद हो गया, मतलब ये यहाँ कनेक्टर में ही प्रॉब्लम होगा। बट एक बार हम खोल के इसको चेक करेंगे, तो मुझे लगा कि आपको बताना बहुत अच्छा रहेगा हमें भी, क्योंकि कभी कभी क्या रहता है दोस्तों, इसमें रिस्टार्ट भी होता है, ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये अभी ये प्रॉब्लम की वजह से ही, इसमें कभी कभी कोई कोई बॉक्स ऐसे होते हैं जो रिस्टार्ट होते हैं, बंद चालू 10 मिनट 5 मिनट चलते हैं, या उसके बारे में भी मैं अभी आप बता दूंगा आज आपको। जैसे कि अभी तो इसका दोस्तों कनेक्टर खराब है, तो पहला हम अभी चेंज करेंगे कनेक्टर। दोस्तों थोड़ा इसको साफ सफाई करेंगे, फिर आपको हम दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमने अभी इसको अच्छे से साफ किया है और चेक करेंगे। तो दोस्तों देखिए, अभी भी हमारा लाइट नहीं आ रहा है, देखिए। तो अभी हम पहला वोल्टेज एक बार चेक कर लेते हैं, हो सकता है दोस्तों जैक का छोड़ के और भी कहीं से प्रॉब्लम आ जाते हैं कभी कभी, तो उसके लिए अभी हम पहले यहाँ पे चेक करेंगे। तो देखिए, हमारा जैक से भी प्रॉब्लम आ रहा है, 4 वोल्ट ही दिखा रहा है जैक से, तो पहले हम जैक चेंज कर देते हैं दोस्तों। सबसे पहला हम काम करेंगे जैक चेंज करना। ये प्रॉब्लम दोस्तों बहुत कम ही आता है ऐसा, बट आज आया है तो मैं बोला आपको दिखाओ। ये देखिए दोस्तों, कनेक्टर निकल गया है। और सेम देखिए, एक हमारे पास कनेक्टर है, वो हम लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने कनेक्टर भी लगा लिया, और अभी हम फाइनली यहाँ पे इसे फिर से लगा के और चेक करेंगे दोस्तों। अभी दोस्तों हम ये कनेक्ट लगा के एडाप्टर, और अभी चेक करते हैं दोस्तों। तो देखिए, तो फाइनली दोस्तों हमारा पावर लाइट जल गया है, और अभी चेक करते हैं इसको यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, हमारा वीडियो भी क्लियर हो गया, तो एक बार हम चालू करके चेक करेंगे दोस्तों कि हमारा अभी भी कुछ ऐसा तो नहीं प्रॉब्लम है। जैसे कि मैं आपको दोस्तों इसके वोल्टेज के बारे में बता देता हूँ, ये देखिए दोस्तों, तब तक के लिए जैसे कि हमारा जो पहला वोल्ट होता है यहाँ पे, देखिए 5 वोल्ट होता है दोस्तों, अभी देखिए 4 आ रहा था, अभी 5 आ रहा है। और जो दूसरा बोल्ट होता है दोस्तों यहाँ पे, हमारा जो 3.3 आता है, और जो तीसरा बोल्ट होता है इसमें 1.2 आता है दोस्तों, ठीक है। इतना आने के बाद दोस्तों ये हमारा क्लियर हो जाता है, और कोई इसमें ज़्यादा फॉल्ट नहीं रहता है। हाँ, यहाँ पे एक 1.5 क्लियर रहता है, तो देखिए ये भी हमारा 1.5 भी आ रहा है। तो दोस्तों इतना ही बस प्रॉब्लम रहता है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी करते रहेगा। जय हिंद, जय भारत।